हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आज हम बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके बगैर हम डेली लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, उन एक्शन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे और उसको कहते हैं वर्ब, है ना। तो व्हाट एवर वर्ब वी डू एवरी डे, नॉट ओनली इनसाइड बट आउटसाइड एज वेल, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, वर्ब की ही फॉर्म का यूज करते हैं। हमने ये किया, ये मैं करता हूँ और ये मैं करूंगा, है ना। इन तीनों की चीज में हमारी लाइफ चलते रहती है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, तो उसको सबसे पहले उसको याद करना जरूरी होता है। वही वर्ब की तीन फॉर्म को लेकर के आई हूँ मैं। चौथी और पांचवी फॉर्म जो आईएनजी, वो अपने जब वर्ब पढ़ा था तब पढ़ लिया, पर मोस्ट ऑफ टाइम यू विल हैव टू लर्न दिस थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू, प्लीज लेट्स बिगिन। ओके, तो सारे काम छोड़ के हम शुरू करते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ब ली है मैंने, जो बिल्कुल आपके डेली वर्ब यूज में काम आती है। आप बिगनर्स हो तो उसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। बिगनर्स को बहुत बड़े बड़े वर्ब का ध्यान नहीं रखना है, जो हम डेली रूटीन में करते हैं उन्हीं पे ध्यान करना है। फिर धीरे धीरे तो आप खुद ही अपने मैच्योर हो जाते हैं और आप अपने मन से अपनी स्टडी को चालू रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेकअप करते हैं, मतलब जाग जाते हैं ना। तो उसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वॉकअप और फिर वॉकन अप। तो वेकअप, वॉकअप, वॉकन अप। जब ध्यान से कोई पूछता है कि आप रोज क्या करते हो, तो वेकअप करते हो। आपने क्या किया, आप वॉकअप करते हो। तो सेकंड फॉर्म हो गया और ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वॉकन अप तो हो गई परफेक्ट टेंस में, है ना, परफेक्ट टेंस में। मैंने एक बार और बता चुकी हूँ कि जब हमको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, हमको कुछ भी नहीं पता, तो हमने बोला है कि गॉन, इन्हें जा चुका है ना, उसको मैं सब पहले अपने वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। तो आज केवल अपन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। गेट अप मीन्स होता है उठना, जब बिस्तर से आप बिल्कुल उठ गए हो, चलने लगे हो, दैट इज कॉल्ड गेट अप। गेट अप, गॉट अप, फिर गॉटन अप, ठीक है। फिर ब्रश, ब्रश करते हो, देन आफ्टर, तो ब्रश हो गया है, जो टीथ पे ब्रश करते हैं वो होता है ब्रश्ड, ब्रश्ड। टेक बाथ का हो जाएगा टुक बाथ एंड टेकन बाथ, है ना। तो आपको यदि ये वर्ब की फॉर्म पता चलेगी तो आप पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में और परफेक्ट टेंस में बहुत अच्छे से आपको पढ़ते आ जाएगा, लिखते आ जाएगा, आपको नॉलेज हो जाएगा, है ना। तो हमेशा हर चीज पे नोटिस करना कि कहाँ पे आपको किस चीज को यूज करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वॉश है, वॉश मीन्स होता है धोना, चाहे कपड़े धो रहे हो चाहे बर्तन धो रहे हो, धोना होता है। वॉश्ड मीन्स धोया और वॉश्ड मीन्स धो चुका, है ना, मतलब अभी थर्ड फॉर्म में लेंगे तब, ठीक है। टेक, टुक, टेकन। टेक मीन्स लेना और टुक मीन्स लिया और टेकन, थर्ड फॉर्म। रीड, रीड, रेड, रीड। देखो यहाँ पे स्पेलिंग बिल्कुल नहीं बदली है, मैं पढ़ा चुकी हूँ रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रीड की स्पेलिंग नहीं बदली लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका बदल चुका है, रीड, रेड, रीड, ठीक है ना। राइट मीन्स लिखना, रोड मीन्स लिखा, राइट रिटन। स्पीक मीन्स बोलना, स्पोक मीन्स बोला, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, है ना। यदि आपने बोला कि व्हाट डिड यू डू, तो आई डिड दिस वर्क, आई स्पोक, आई रोड, आई रेड, आई टुक बाथ, आई वॉश्ड, इस प्रकार से। अभी देखो यहाँ पे मैंने बताना, कहना तीनों लिख दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। स्पीक मीन्स बोलना, जैसे सपोज कोई लैंग्वेज आप बोलते हो, कुछ करते हो, तो उस समय आप बोल सकते हो स्पीक। लेकिन जब आपको किसी को स्टोरी टेल करते हैं, किसी को किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आप हमेशा तब आप स्पीक नहीं बोलते ना, तब आपको बोलना है टेल, ताकि उसने बोला, उसने बताया, है ना। इस प्रकार से जब सेंस निकलेगा तब आपको टेल का यूज करना है। एंड देन से, मतलब कहा, कहना, सेम चीज है पर हम हर जगह पे अलग अलग क्यों करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा मीनिंग में लेकर के पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। सेम मतलब कहा, कहना, उसने कहा, तो इस प्रकार की थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा डिफरेंशिएशन है। तो जैसे जैसे आप इंग्लिश बोलने लगते हो, पढ़ने लगते हो, तो आपको सारे डिफरेंशिएशन बिल्कुल माइनर लगते हैं और आप उस पर मतलब एक काबू कर लेते हैं, आप ओवरकम कर लेते हो उसको, ठीक है ना। चलिए, तो टेल का हो जाएगा टोल्ड और फिर टोल्ड हो जाएगा, है ना। फिर हो जाएगा से का हो जाएगा सैड और सैड हो जाएगा। से सेट, सेट, से ने कहना, टेल ने बताना, स्पीक ने बोलना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा देखेंगे अपन। फिर लुक, लुक मीन्स देखना। देखो देखते तो हम सभी चीजें टीवी में देखते हैं, लोगों को भी देखते हैं, बहुत केयरफुली भी देखते हैं, लेकिन लुक यानी भी देखना होता है, वॉच मीन्स भी देखना होता है, सी मीन्स भी देखना होता है। लेकिन इन तीनों का मीनिंग क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। जैसे आपको मैंने बोला कि बेटा लुक एट दिस, बहुत ही ध्यान
से देखिए, मतलब किसी चीज को बिल्कुल फोकस के साथ देखना है, इंटेंशनली देखना है, दैट इज कॉल्ड लुक, है ना। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी मोबाइल, एनी वीडियो, एनी टीवी, जब हम टीवी की देखने की बात करते हैं, सो दैट टाइम वी कैन से वॉच, आई एम वॉचिंग टीवी, वॉच्ड टीवी, आई वॉच टीवी एवरी डे, दैट लाइक दिस, ओके। Now see, see means suppose I am here and someone is there, so that time I see, मैं तुम्हें देखती हूँ, okay, I saw that, वो देखा मैंने, I saw that person, तो normally हम मतलब जो देखते हैं simple सा way रहता है देखने का, उसमें कोई intention नहीं है ऐसा, तो भी हम उसमें see saw लगा सकते हैं ना, लेकिन ये look के लिए हम क्या बोलेंगे, look मतलब थोड़ा सा intentionally रहता है कि इसको देखो, ठीक है, चलो। तो लुक का भी हो जाएगा लुक्ड, लुक्ड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, सी, सॉ, सीन, डू मींस करना, है ना। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैम वहां तो हेल्पिंग वर्ब में भी डू लगा था, तो डजंट मैटर, डू मींस करना होता है, ये एक वर्ब भी है, एक हेल्पिंग वर्ब भी है, वो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड, डिड मतलब किया, और होती है डन, ठीक है। बिगिन, बिगिन यानी किसी भी चीज का प्रारंभ करना, प्रारंभ करना इन द सेंस कि हमें कोई चीज, जैसे सपोज मैंने यहाँ से शुरू किया है और अब चलो स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज, पढ़ाई करना शुरू करते हैं, वो बड़ा काम है उसको भी बिगिन करते हैं, तो बिगिन मतलब वो प्रारंभ करना, जैसे फिर स्टार्ट कहते हैं ऐसा, है ना। सो बिगिन, स्टार्ट, सेम ही है ना, बिगिन, 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 बिगन, फिर बिकम, बिकम यानी होता है होना, जैसे बिकम यानी हो कुछ चीज हुआ है, बी एन ऐसे भी होना होता है ना, बिकम, तो बिकम, बिकेम, बिकेम, फिर जैसे बोलते हैं ना आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये होना या बनना, है ना, इस प्रकार से इसका सेंस निकलता है। तो कई बार वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करके हम उसका सेंस निकालते हैं वहां से, है ना, ठीक है। फिर कम, केम, कम, कम की स्पेलिंग में ए लगा हुआ, ए लगा, प्रोनाउंसिएशन आएगा केम, और फिर को जाएगा कम। गो, वेंट, गॉन, गो मीन्स जाना और कम मीन्स आना। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, जो किसी चीज को सपोज मैं चौक को दो टुकड़ों में, दो पीस में तोड़ देती हूँ, तो उसको बोलते हैं ब्रेक, है ना, बिल्कुल तोड़ दिया उसको हमने, हटा दिया। लेकिन यहाँ पे एक और शब्द लिखा है मैंने प्लक, प्लक मीन्स भी तोड़ना। सपोज यहाँ पे कोई ट्री है, ये ट्री है और यहाँ पे कोई लीव्स है या कोई फ्लावर है, अब ये ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ और मैंने यहाँ से इसको हटाया, इसको थोड़ा सा रिमूव कर दिया, है ना, तो वहां से हटा करके तो हमने क्या कर दिया, टेक ऑफ कर दिया, मतलब उसको गेट ऑफ कर दिया, हटा लिया वहां से, ऑफ कर दिया है, तो उसको बोलते हैं प्लग, प्लग है ना, कि प्लांट तो ऑलरेडी ऐसा कैसा है और हमने उसको तोड़ा है ना, तो प्लग कर दिया, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, प्लग, 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 ठीक है। फिर ब्रिंग, ब्रिंग मींस लाना, कोई चीज लाना, तो ब्रिंग माय वाटर, ब्रिंग मी प्लीज वाटर, मेरे लिए लाओ। फिर गेट तो बोल सकते हैं, गेट तो बहुत अच्छी चीज है, बट अगर एकदम वर्ड टू वर्ड देखेंगे तो ब्रिंग मींस लाना। तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, है ना। फिर है बाय, बाय मींस खरीदना, जैसे कोई चीज हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो परचेज करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाय मींस खरीदना, यानी हमने किसी को पैसे दिए और हम खरीद रहे हैं, है ना, उसी को परचेज भी कहते हैं। लेकिन जब हम कोई थोड़ी सी बड़ी खरीदारी करते हैं उसको कहते हैं परचेज, और सिंपल छोटी मोटी चीज करते हैं तो उसको हम बाय कर देते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल माइनर माइनर सा डिफ्रेंशिएशन है, अगर आप वहां पर परचेज भी बोलोगे तो भी गलत नहीं होगा, बट आप धीरे धीरे पढ़ने लगोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बाय, बॉट, बॉट, खरीदा, है ना, खरीदना, खरीदा, खरीदा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। ड्राइव, कार ड्राइव करते हो आप लोग, है ना, तो कार ड्राइव करना है उसको, कार जो ड्राइव करता है उसको ड्राइवर कहते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, कार को ड्राइव करता है, तो ड्राइव होता है चलाना, कार चलाना, क्या चलाना, कार चलाना। लेकिन स्कूटी चलाते हैं उसको हम राइड कहते हैं ना, राइड कहते हैं, स्कूल जो स्कूटी और साइकिल वगैरह चलाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, राइड कहते हैं, ठीक है। तो ड्राइव, ड्रो, ड्रिवन मतलब चलाया था, कार चलाया उसने, तो चलाया मतलब पास्ट में हो चुका, तो उसको ड्रो कहेंगे, और ड्रिवन थर्ड फॉर्म, ठीक है। ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, जो पानी पीते हैं या जो भी मिल्क वगैरह पीते हैं तो उसको ड्रिंक कहते हैं ना, और वैसे तो वाटर के लिए भी हम कहते हैं, और वैसे हम टेक कह सकते हैं, टेक टू टेकन, आजकल हम एडवांस इंग्लिश में हैव, हैड, हैड ले लेंगे, टेक टू टेकन ले लेंगे, लेकिन अगर पर्टिकुलर शब्द के लिए लाया जाए तो ड्रिंक मतलब पीना, ठीक है। फॉल, फेल, फॉलन, फॉल मीन्स गिरना, कहीं गिर जाते हैं ना, सपोज बच्चे गिर जाते हैं, आप लोग गिर जाते हो, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है। फाइट, फाइट मीन्स लड़ना, जब दो बच्चे लड़ रहे हैं, चार पांच लोग लड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फाइट, फाइट, फॉट, फॉट, लड़ना, लड़ा, लड़ा। फ्लाई,
पक्षी उड़ते हैं ना, बर्ड्स फ्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड फ्ल्यू। तो अगर वो उड़ गई है तो फ्ल्यू और फ्लॉन। फिर फाइंड, फाइंड और सर्च दोनों होता है ढूंढना, फाइंड और सर्च दोनों होता है ढूंढना। तो फाइंड का हो जाएगा फाउंड, फाउंड फाइंड, फाउंड फाउंड। कीप मीन्स होता है रखना, पुट मीन्स भी होता है रखना, प्लेस मीन्स भी होता है रखना। तीनों का मीनिंग होता है रखना, पर थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा अंतर है। कीप मतलब जैसे कि हम प्रॉपर बोलते हैं ना, कीप इट अप, कीप द थिंग्स, कीप द थिंग्स ऑल प्रॉपर प्लेस, इनको प्रॉपर प्लेस पे जहाँ वो चीज़ है वहाँ पे वहाँ रख दो। और नॉर्मली हम बोलते हैं ना कीप प्लेस करो, तो प्लेस मतलब जैसे कोई बड़ा बड़ा आइटम है, फ्रिज होगा, कोई टीवी होगा, और कोई बड़ा आइटम जिसको एक बार रखने के बाद लगभग ऑलमोस्ट हम साल दो साल तक हटाते ही नहीं है उसको, या लंबे समय तक, लंबे ड्यूरेशन तक हम उसको नहीं उठाते हैं, हटाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेस, है ना। तो इस प्रकार छोटा छोटा सा अंतर है, कीप, पुट और प्लेस, ये तीनों में रखने का मतलब होता है, ठीक है। कीप, कैप्ट, कैप्ट, पुट का तो सेम है, पुट पुट पुट, हिट 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 टाइप का, हिट यानी धक्का देना, हिट हिट ना, प्लेस प्लेस्ड प्लेस्ड। अब देखो रन, रन मीन्स होता है दौड़ना, रन रन रन। थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना, गार्बेज फेंकने की बात करते हैं, डोंट थ्रो पेपर्स कटिंग मत फेंको, ठीक है ना, इस प्रकार से। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। वर्क मीन्स जो काम करते हैं, सपोज आप अगर हाउस मेकर हो तो आप बोलते हो कि आई वर्क सो एंड सो में याले काम करती हूँ, तो उसको भी बोलते हैं काम करना, आई वर्क, वर्क, वर्क। स्लीप मतलब सोना, मतलब इवन मैंने ये भी स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, अगर शाम को सोना वाली बात होगी कि सो चुके हैं उसको स्लेप्ट कहेंगे, स्लेप्ट। अब गाइस मुझे लगता है कि मैंने जो डेली रूटीन की जितनी ऑलमोस्ट जो बहुत नीड है, जो बहुत नेसेसरी वर्ब है, उसको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद में बहुत सारे वर्ब तो हजारों हैं, आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, बट एक इसके बाद एक सेकंड पार्ट और लेके आने वाली हूँ। टिल देन आपकी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को एनहांस करते हैं। बिगनर्स को बहुत ज़्यादा जरूरत होती है कि आप एडवांस हो तो डजेंट मैटर, क्योंकि आप ऐसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जानते हो, लेकिन अगर हम बिल्कुल बिल्कुल प्री स्टेज पे हैं, बिगनर्स की कंडीशन में है, लर्नर है, अभी सीख ही रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि वर्ब के तीनों फॉर्म, रादर फाइव फॉर्म के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। चौथी और पांचवी फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म और प्रेजेंट वाली एस और एएस है, वो तो खैर हम जब पढ़ने लगते हैं तो उसको नॉलेज हो जाता है, बट तीन फॉर्म के बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। इसको रटने के सिवा आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको देती हूँ कि जब आप सुबह से शाम तक घर में काम करते हो तो उसको बार बार उसको प्रैक्टिस में करो कि ये मैं करता हूँ और ये मैंने किया, ये मैं करता, ये मैं पढ़ता हूँ और ये मैंने पढ़ा, ये मैंने लिखता हूँ और ये मैंने लिखा। तो इसमें कंपेरिजन करके आपको बहुत जल्दी उसकी ग्रामर याद हो जाएगी, उसकी फॉर्म्स याद हो जाएगी, और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से फ्लुएंट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।